नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। बजादा पहाड़ी गांव के विकास की कहानी, सरपंच पति विनोद की जुबानी। कार्यक्रम में पहुंचे हमारे वरिष्ठ संवाददाता दीपक शर्मा ने गांव के लोगों से पूछा कि गांव में कितना विकास हुआ है, तो लोगों ने कहा कि सरपंच हो तो नीलम जैसी, जिसने कम समय में गांव की छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान किया है। आपको बताते चलें कि गांव की आबादी लगभग 1200 है। वैसे तो सभी जातियां हैं, लेकिन जाट सबसे ज्यादा है। और ग्रामीण ने बताया कि कुछ मेन रास्ते आजादी के बाद पहली बार बनाए गए हैं। और आपको बताते चलें कि सरपंच नीलम पहली बार सरपंच चुनकर आई हैं। युवाओं ने बताया कि युवा ही युवा के भविष्य की बात कर सकता है। जब अलग अलग जातियों के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि नीलम सरपंच ने सभी जातियों को बराबर सम्मान दिया है। क्या नाम है जी आपका? गंगाराम। जो आपके गांव के सरपंच है, इन्होंने कैसे काम कराए गांव में? सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया। क्या नाम भाई तुम्हारा? करमवीर। जो गांव के सरपंच है, इन्होंने कैसे काम कराए गांव में? बहुत बढ़िया काम करे, कायम करे ही ना ऐसा। तो आने वाले योजना बनाओगे सरपंच? बिल्कुल, तन और मन और धनते। क्या नाम है जी आपका? परशुराम है जी। जो आपके गांव के सरपंच है, इन्होंने कैसे विकास कार्य कराए? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो आने वाले योजना बनाओगे सरपंच? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम चाचा? हरिचंद जी। जो आपके गांव के सरपंच हैं, इन्होंने कैसे काम कराए गांव में? तो बढ़िया काम कराए। तो आने वाली योजना बनाओ सरपंच? कोशिश तो यही है जी हमारी फुल। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ है बजादा पहाड़ी से सरपंच पति विनोद कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं कि लगभग इनके कार्यकाल को 4 साल हो चुके हैं, इन्होंने अपने गाँव में कितने विकास कार्य कराए, आइए इनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है विनोद जी। नमस्कार जी भाई साहब। तो आपके जो 4 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसमें आप अपने गांव में कितने विकास कार्य कराए, मुख्य रूप से दर्शकों को बताएं। भाई साहब, विकास तो बहुत कराए। सबसे मेन जो था वो तो हमारे गांव में पानी की समस्या थी भारी मात्रा में, क्योंकि हमारे गाँव में छोटी पहाड़ी होने के कारण थोड़ा समतल जमीन नहीं है, ऊँची नीची है। तो उसमें क्या था जी कि पानी की भारी किल्लत थी। प्रशासन की मदद से हमने ट्यूबवेल लगवाया, पाइपलाइन बिछवाई, पानी की समस्या समाप्त करवाई। जो गांव का मेन उद्देश्य था कि भाई सरपंच हम उसे चुनेंगे जो पानी की समस्या ख़त्म करेगा। दूसरा जी, पंचायत में 36 एकड़ के करीब गौचारे की ज़मीन थी जिस पे अवैध कब्जा था। प्रशासन के सहयोग से, DC साहब के आशीर्वाद से, हमने वो 36 एकड़ ज़मीन पहले अवैध कब्जेधारियों से छुड़वाई। उसके बाद
आपका डीसी साहब से परमिशन लेके पंचायत की आमदनी के लिए पट्टे पर छोड़ी, ताकि पंचायत में कुछ आमदनी हो सके और जमीन पंचायत गौचारी की जमीन पंचायत यूज में आ सके। दूसरा जी, गांव में हमारे बनने से पहले, सरपंच बनने से पहले क्या था कि सारे गांव के रास्ते कच्चे थे, टूटे पड़े थे। गांव में साइकिल तो क्या पैदल निकलना भी दुश्वर था। उसके बाद हमने सारे रास्ते पक्के करवाए, पानी की निकासी के लिए सारी नालियां छोटी वे पक्की करवाई, ताकि रास्ते चौड़े बने और पानी का रिसाव अच्छा रहे। आप देख लेना, गांव में कहीं पे भी पानी का 1% ठहराव नहीं है, सारा पानी सीधा या तो जोड़ में जाता है या नहर में जाता है। गांव में जी मनरेगा के तहत भी बहुत काम करवाए हैं हमने, जैसे कि स्कूल में मिट्टी भर्त, शमशान घाट में मिट्टी का भर्त और दो रास्तों में मिट्टी का भर्त करवाया है। इससे क्या है कि जी गांव का तो काश हुआ है, साथ में गांव के कुछ भाइयों को रोजगार भी मिला है मनरेगा के तहत। उसके बाद गांव में जनरल चौपाल की कमी थी, वो बनवा दी, एससी चौपाल बनवा दी, एससी चौपाल में मिट्टी भर्त करवा दिया, बीसी चौपाल बनवा दी। जो लगे कि भाई गांव के लिए ज़रूरी है वो हम अपनी तरफ से पूरा करके चल रहे हैं। हमारे गांव में कमी थी एक बरात घर की, माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि बरात घर का 80% काम लगभग पूरा हो चुका है, 20% है वो भी प्रोसेसिंग में है अभी। उसके बाद बचा जी लाइट। गांव में रात्रि के समय अंधेरे से बचाव करने के लिए लाइटें भी लगवाई, ताकि भाई अंधेरे में क्या है कि चोर वगैरह फायदा उठा जाते हैं। छोटा गांव है, उसमें हमारा जी छोटा गांव है, गांव में लाइट लगवा दी, ताकि जो पहले गांव में चोरी हुआ करती थी, जैसे कि भाई लोगों के कृषि जो कृषि के यंत्र चुरा लिए जाते थे, पशु चुरा लिए जाते थे, आज वो रात्रि में उजाला होने के कारण चोरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दूसरा कि जी दूसरा जी शमशान घाट में जनरल शेड बनवाई है, एससी शेड बनवाई है, उसकी चार दीवारी करवाई है। उसके बाद पानी की वो थी, क्योंकि देखो जी हिंदू समाज में क्या है, जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसके बाद हाथ धोते हैं जहाँ तक मेरा हुआ है, उसके लिए लोग वागों को पानी की थोड़ी किल्लत थी हमारे गांव में। हमने शमशान घाट में ही नल लगवा दिया, ताकि भाई आप जैसे यहाँ से निकलोगे तुरंत अपने हाथ धो लो और कुल्ला कर लो, जो एक हिंदू रीति रिवाज का वो था। उसके बाद जी हमारा भमरौला से बजादा पहाड़ी की जो रास्ता है पहरा की, वो बिल्कुल टूटी हुई थी, लोगों का वहाँ से पैदल चलना दुश्वार था। मंत्री जी कृष्णपाल जी के सहयोग से और नरेंद्र विदूड़ी भाई साहब के सहयोग से वो रास्ता बिल्कुल पक्का और नया बनवाया है और चौड़ा भी है पहले से। मैं बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो लगभग आपने अब तक अपने गांव में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य करा चुके हो? हम जी लगभग 1 से 1.5 करोड़ के विकास कार्य हरियाणा सरकार के सहयोग से और पंचायत के सहयोग से गांव में करा चुके हैं अब तक। अभी सर आपके कार्यकाल में 1 साल बाकी है, तो आपकी भावी योजनाएं क्या हैं जो आपके मन में और जिन्हें आप अपने 1 साल कार्यकाल में पूरा कराना चाहते हो? सबसे पहले तो जी है कि गांव से गोपालगढ़ होते हुए बजाड़ा होते हुए गोपालगढ़ का रास्ता, क्योंकि वो क्या हमारे किसान भाइयों के लिए ईख जब चलती है तो मील के लिए शॉर्ट रास्ता पड़ता है, उसे पक्का करवाना सबसे पहला है। दूसरा गांव से गोपालगढ़ के लिए सीधा रास्ता जा रहा है वो भी कच्चा है, वो पक्का करवाना। गांव में व्यायामशाला बनवाना, दूसरा गांव की फिरनी को पक्का करवाना और पशु अस्पताल बनवाना, जैसे कि सचिवालय बनवाना है अभी हमें, गांव के मुक्ति भवन का सुंदर सा गेट बनवाना है अभी हमें, गांव में पंडितों का गांव है तो एक होली चौक बनवाना है हमें, गांव की जो जोड़ है उसका सौंदर्यीकरण करवाना है। तो अगर सरकार का सहयोग रहा तो मैं 1 साल में, ये तो मुख्य काम है ही, और भी बहुत छोटे मोटे काम है जो भी करवाने रहने बाकी हैं। जैसे हम महिला की सुरक्षा के लिए बात करें तो आपने अपने गांव में कितने विकास कराए सुरक्षा को लेकर? सर जी महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर सबसे पहले था लाइट,
ताकि रात्रि में कोई भी गलत काम ना हो महिलाओं के साथ। दूसरा था जी कि महिलाएं वे मेरी बहन बेटी बाहर जाती थी सिलाई सीखने के लिए, ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए या कुछ भी उनसे रिलेटेड जो भी था, तो हमने गांव में ही सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर सेंटर खुलवाया ताकि भाई मेरी बहन बेटी, मेरी भाभी, मेरी माता बहनें बाहर ना जाएं, गांव में ही अपना सीख लें। दूसरा था जी, सोच का सबसे बड़ा वो रहता है गाँव में, हमारा गाँव फुल्ली सोच मुक्त है, हर घर में शौचालय है, बहन बेटी को सोच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, अपने घर का ही यूज करती है। अब बता दो। और जल्दी ही गांव, पूरा गांव सीसीटीवी कैमरे के अंडर होगा जी, ताकि माता बहनें सुरक्षित रह सके। तो अंत में आप अपने गांव वाले को कोई मैसेज या कोई अपील करना चाहोगे उनसे? सबसे पहले तो जी मैं अपील किया गाँव का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हमें गाँव की सेवा के लिए चुना। उसके बाद गांव से यही अनुरोध है कि भाई सफाई का थोड़ा ध्यान रखें, हालांकि गांव की जो जनता है वो मेरा बहुत सहयोग कर रही है सफाई के मामले में। जब भी बाहर से कोई टीम आई है गांव, हमारे गांव में जी कभी भी कोई भी टीम नेगेटिव पॉइंट नहीं लेके गई है, प्लस पॉइंट ही जाता हर बार। बाकी अपील ये है कि भाई जो आप सहयोग तो करो लेकिन थोड़ा और करो, जो घर का कूड़ा होता है उसे डस्टबिन में डालो, और जहाँ जहाँ पंचायत ने कूड़े डालने के लिए जगह बना रखी है वहीं पे डाली जाए ताकि पंचायत उन्हें उठवा के इकट्ठा करवा सके एक जगह। दूसरा जी, अपने बच्चों को पढ़ाओ, गांव में शांति का माहौल बनाए रखो जैसा कि आपने अब तक बना रखा है। भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे गांव का एक और रिकॉर्ड है, हमारा गांव थाना लगता है बहीन, बहीन थाने में बजादा पहाड़ी की साल में एक भी कंप्लेंट मुश्किल से जा पाती है, जो हमारे गाँव के लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि गाँव में शांति कितनी है जी। लास्ट में मैं मंत्री जी कृष्ण पाल जी का और बड़े भाई नरेंद्र पदौड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने गांव के विकास के लिए हमें इतना सहयोग दिया। और हमारे माननीय विधायक जी, मेरे बड़े भैया प्रवीण डागर का भी धन्यवाद करता हूँ, वह उनसे आशा करता हूँ कि वे जो मेरे गाँव में विकास कर रहे कुछ रुके हुए हैं या जो हमें भी और करने बाकी हैं उनमें हमारा विशेष सहयोग करें।